पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मेरा कंप्यूटर बेसिक कोर्स में 12 डे क्लास है और मैं आज ये सेपरेट वीडियो मेमोरी की यूनिट्स पर लेके आया हूं, बिकॉज मेरी जो पिछली वीडियो थी वो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस पे थी। और ये वीडियो जो है मेमोरी की यूनिट्स, मेमोरी को मापने के लिए जिस मात्रक, जिस इकाई की आवश्यकता होती है उसके बारे में है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड हर प्रकार के कंप्यूटर कोर्सेज में या हर प्रकार के कंपटीशन में क्वेश्चंस मिलते हैं, और वैसे भी यूनिट्स को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं मेमोरी यूनिट्स क्या है। यहां पर देख रहे हैं आप कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स, कंप्यूटर में मेमोरी को मापने की इकाई क्या है उसको हम समझते हैं। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की यूनिट्स क्या है उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और हम जानते हैं कि बिट से लेकर के जीरो तक हम कैसे कैसे उसको स्टेप क्या है इसके। आप देखिए मैंने साइड में एक चीज लिख दिया है बाइनरी डिजिट्स, बिकॉज आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन इन होती है वो मशीन भाषा में जाता है, और कंप्यूटर की मशीनरी भाषा जो है उसमें जो इंफॉर्मेशन इन होती है, जिस कोड में जाता है उसे हम बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी एक नंबर सिस्टम है। मेरी अभी नंबर सिस्टम से रिलेटेड वीडियो नहीं आई है, मैंने कमिटमेंट भी किया था बट मैंने अभी वीडियो नहीं दिया है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपके नंबर सिस्टम पर ही होगी, तो वीडियो आप देखते रहे। आप देखिए बाइनरी डिजिट्स मैंने इसलिए लिखा है कि बाइनरी डिजिट में, बाइनरी में टू डिजिट्स होते हैं, जीरो एंड वन। जो लिखा है मैंने, जीरो भी एक बिट है और वन भी एक बिट है, तो बाइनरी की एक डिजिट जो है वो आपकी वन बिट है। टू डिजिट्स होती है बाइनरी की, बाइनरी का बेस टू होता है। हम नंबर सिस्टम में इसको आपको डीपली बताएंगे, तो आप बस इतना समझें बाइनरी में एक डिजिट जितना होता है उसे हम एक बिट कहते हैं। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है वन बिट इक्वल बाइनरी डिजिट, बाइनरी का एक सिंगल डिजिट आपके एक बिट के बराबर होता है, वन बिट इक्वल बाइनरी डिजिट। सेकेंड है आपका एट बिट्स इक्वल वन बाइट, इट मींस कंप्यूटर जो है वो जो इनपुट लेता है, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर को जो प्रोग्राम प्रेषित किया जाता है वो बाइट में जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है, 128 बिट है, 256 बिट है, और 1 बाइट के लिए 8 बिट्स का होना जरूरी है। तो आप देखें 1 बिट इक्वल बाइनरी डिजिट, बाइनरी का एक सिंगल डिजिट एक बिट के बराबर होता है, और बिट जो है वो सबसे छोटी यूनिट है मेमोरी की। 8 बिट्स जब होते हैं तो 1 बाइट बनता है, सिंगल वन बाइट, एट बिट्स इक्वल वन बाइट। और 1024 बाइट इक्वल 1 किलोबाइट। आप ध्यान दें कि जो अप्रोक्सीमेट हम समझते हैं वो 1000 बाइट बराबर 1 किलोबाइट हम पढ़ते हैं, बट जो अगर आप एक्यूरेट पढ़ना चाहेंगे, एक्यूरेट समझना चाहेंगे, तो 1024 बाइट इक्वल 1 किलोबाइट, केबी मीन्स किलोबाइट, केबी एक शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है, इसी तरीके से अगर एक सीक्वेंस में आप इसको याद करेंगे तो बड़े आसानी से एक बार देखने में ये आपको याद हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको ये चार्ट याद करने में आसान रहेगा। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। इसी तरीके से 1024 मेगाबाइट बराबर 1 जीबी और 1 गीगाबाइट, जीबी मीन्स गीगाबाइट। इसी तरीके से 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, 1 टेराबाइट, 1024 टीबी और टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट बराबर 1 ईबी, इट मीन्स एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट होता है जब 1024 पेटाबाइट मिलता है तब। इसी तरीके से 1024 एक्साबाइट या ईबी बराबर 1 जेडबी, जेडबी मीन्स जेटाबाइट। कहने का मतलब 1024 ईबी बराबर 1 जेटाबाइट, और 1024 जेडबी बराबर या जेटाबाइट बराबर 1 वाईबी, योटाबाइट।
आप जानते हैं जेट बाद में आता है, वाइट पहले आता है, बट यहां यूनिट्स में जेटा वाइट पहले है और योटा वाइट बाद में है। तो 1024 जेट भी बराबर 1 योटा वाइट। इसी तरीके से 1024 योटा वाइट बराबर 1 ब्रोंटो वाइट, मतलब कहने का यह है 1024 योटा वाइट बराबर 1 ब्रोंटो वाइट, 1 ब्रोंटो वाइट। इसी तरीके से 1024 ब्रोंटो वाइट बराबर 1 जियो बाइट। ये जियो बाइट जो है, जैसे 1 बिट जो है आपका सबसे मिनिमम यूनिट है मेमोरी को मेजर करने का, उसी तरीके से जियो बाइट जो 1 जियो बाइट या जियो बाइट जो यूनिट है आपकी, वो मैक्सिमम यूनिट है, एक हाईएस्ट यूनिट है आपके मेमोरी को मापने की। तो आपने देखा कि ये हमने कंप्लीट चार्ट मिनिमम टू मैक्सिमम दिया है, तो मिनिमम यूनिट बिट एंड मैक्सिमम यूनिट जियो बाइट। तो ये है आपकी मेमोरी को मापने की कंप्लीट यूनिट है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।